सेंडोविट को प्रति लीटर पानी के साथ घोलकर बनाकर छिड़काव करें। मेले गब इस प्रजाति के कीट की मादा पंखहीन होती है, वहीं इसका शरीर सफेद पाउडर से ढका हुआ होता है। हालांकि इसका कीट के शरीर के ऊपर काले रंग के पंख होते हैं जो शाखाओं तने फूल पुंडी प्रणवत तथा घंटों का रस चूस जाता है। इसके बाद इस मीठा चिपचिपा पदार्थ छोड़ता है। इसकी रोकथाम के लिए पूरे खेत के आसपास पीले परपंज लगाई। कपास की फसल में लगने वाले प्रमुख रोग जीवाणु झुलसा एवं कोणीय धब्बा रोग। यह रोग पौधे के वायुवर्गीय भागों को नुकसान पहुंचाता है जो छोटे गोल धब्बे बन जाते हैं जो बाद में पीले रंग के पड़ जाते हैं। यह कपास की सहपत्तियों तथा गड्ढों को नुकसान पहुंचाता है। इस रोग के कारण घंटा समय से पहले ही खुल जाता है जिससे रेसा खराब हो जाता है। इसकी रोकथाम के लिए अनुशंसित कीटनाशक का प्रयोग करें। माइरोथीशियम पत्ती धब्बा रोग। इस रोग के कारण पत्तियों पर हल्के और बाद में बड़े भूरे धब्बे बन जाते हैं। इसके बाद पत्तियां टूटकर नीचे गिर जाती है। इससे 25-30% उत्पादन में कमी आ जाती है। रोकथाम के लिए अनुशंसित कीटनाशक का प्रयोग करें। अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा रोग। मौसम में अत्यधिक नमी के समय पत्तियों पर हल्के भूरे रंग के धब्बे बनते हैं जिसके कारण आखिर में पत्तियां टूटकर नीचे गिर जाती है। ठंड में मौसम में इस रोग उग्रता अधिक होती है। इसके रोकथाम के लिए अनुशंसित कीटनाशक का ही प्रयोग करें। पौधा अंगमारी रोग। यह रोग पौधों की मूसला जड़ों को छोड़कर मूल तंतुओं को नुकसान पहुंचाता है जिसके कारण पौधा मुरझा जाता है। रोकथाम के लिए अनुशंसित कीटनाशक का ही प्रयोग करें। अब बात करते हैं कपास की खेती से उत्पादन। कपास की उन्नत किस्मों की चुनाई नवंबर से जनवरी या हाइब्रिड किस्मों की अक्टूबर से दिसंबर तक व बीटी कॉटन की किस्मों की चुनाई अक्टूबर से दिसंबर तक चलती है। उत्पादन की बात करें तो उन्नत किस्में 10 से 15 क्विंटल, संकर किस्में 20 क्विंटल व बीटी कॉटन की किस्में 25 से 30 क्विंटल तक पैदावार होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें व इंडियन टेक्निकल फार्मिंग को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।